ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। यार रोने में थकान हो जाती है। हाँ यार, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वो तो मैं पहले ही समझ गया था। अरे कमाल हो गया प्यारे, साला मैं ही क्यों फंसता हूँ, मारेगा क्या? हाय, आई एम राज। बचपन से लोगों ने मुझे ए छोरे, ए लड़के, ए बच्चे कह के पुकारा। ये इस बात का सिग्नल था कि मैं अनाथ हूँ। तभी मेरी लाइफ में मिसेस गुडिनो आई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा, और ये इस बात का सिग्नल था कि अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि राजू माय सन, लाइफ में दूसरों के लिए इतना करना कि कभी कम ना पड़े। मिसेस गुडिनो ने मुझे म्यूज़िक सिखाया और वो ये चाहती थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूँ। जब मैं जवान हुआ तो मेरे सपनों में कोई आने लगा, मेरी ड्रीम का। ये इस बात का सिग्नल था कि कोई है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुंबई वो शहर है जहाँ पे मेरी ड्रीम गर्ल और मेरा करियर दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सिग्नल क्या है। मिसेस गुरिनो हमेशा कहती हैं कि ऊपर वाला हमें जगह जगह सिग्नल दिखाता है, बस हम ही नहीं देख पाते। बचपन से मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है, इसलिए मैं शराब और सिगरेट से दूर रहता हूँ। अगर कभी कभार कुछ पी लेता हूँ तो एक गर्म चाय की प्याली। बहुत खुश हूँ यार, आखिरकार तुझे बंबई आने का ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। मिसेस गुरिनो ने मुझसे ये कहा है कि यहाँ पे तुझे जिंदगी मिलेगी और जिंदगी बनेगी 100%। अरे देखना, चंद दिनों में तू यहाँ का सुपरस्टार बन जाएगा और तेरी ड्रीम गर्ल भी मिलेगी। अच्छा ये बता, तेरा मामू कैसा है? मामू का नाम मत ले यार। क्यों? वो कंजूस मक्खी चूस, उससे तो अच्छा ऊपर वाला लावारिस पैदा करे, अनाज पैदा करे, लेकिन ऐसा मामू ना दे। मैं तो ये सोच रहा था तेरे साथ तेरे मामू क्या रहूंगा यार। अरे मेरा मामू मुझे नहीं रखता, तेरे को क्या रखेगा? क्या? हाँ तो फिर तू क्या काम करता है, तू रहता कहाँ है? अरे भाई मैं काम मामू की जूस की दुकान में ही करता हूँ, लेकिन रहता अपने घर में हूँ। क्या? हाँ अपना घर वो भी मुंबई शहर में। कैसा लगा, मजा आया? वैसे ये सब है क्या? देख भाई, अल्लाह का दिया वो कुछ भी नहीं अपने पास, जो भी है वो BST ने दिया है, म्यूनिसिपैलिटी ने दिया है, मुंबई शहर ने दिया है सब कुछ। बड़ी महंगी महंगी चीजें दी है तुझे मुंबई शहर ने। अरे ईमानदारी से चोरी कर करके बनाया है भाई। अच्छा वैसे तू उसको बुलाता क्या है? घर। घर? देख भाई, फुटपाथ पे रहने से तो अच्छा है ना। एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे छतर दीवारें नहीं होती तब भी फुटपाथ से बदतर ही होता। देख प्यारे, जिस तरह पानी भरना नहाने की बात नहीं है, उसी तरह घर को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वो तो मैं पहले ही समझ गया था कि इस शहर में मुझे सब कुछ मिलेगा। आबा बोल, मुझे ये बता कि इस मुंबई शहर में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल, तुझे एक बाइक खरीदनी पड़ेगी। बाइक का मेरे गाने के साथ क्या ताल्लुक? मुंबई शहर दिखावे का शहर है, यहाँ जिसके पास गाड़ी हो उसकी गाड़ी फटाफट चलती है। लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना बाइक खरीदने के। हाँ पैसे चाहिए, उसके लिए मैं रिजर्व बैंक का लॉकर खोलता हूँ ना। खोल, जल्दी खोल। ये रहे, हियर आई मनी प्रेजेंट, काउंट। कितने? तू खुद की मैंने याद लगा था। 500 है, पूरे 500। फिक्स डिपॉजिट भी तोड़। एक मिनट, ये ले, ये भी पूरे 500 है, 500 500, 1000। लेकिन 1000 रुपये में बाइक कहाँ से आएगी? बाबा चेक फाड़ के खाता ही तो खोलना है। अरे हाँ वही पुराना सिनसिना की बुबलाबू। बुबलाबू खा पी के उड़न चू। हाँ ये एडवांस चेकबुक तो आपने साइन करके दे दिए, अब ये फाइनल फॉर्मेलिटीज, ये पेपर साइन कीजिए और आपका यमा ले जाइए। कम ऑन बच्चा, साइन, कम ऑन साइन। साइन। साइन करने से तकलीफ किसको हो रही है? मालूम नहीं, मैं इधर तो नहीं उधर। बाबा चार आदमी मिलके एक आदमी को मारे हैं। ए दिखना, ये तो ओमेस का है। सॉरी, पर जिसका चेक बाउंस होता है ना उसकी ऐसा ही पिटाई होती है। ये क्या है कि ये फाइनेंस कंपनी के आदमी है, पैसा वसूल करने का उनका अपना एक स्टाइल होता है ना। ऐसा खतरनाक स्टाइल? अभी क्या हुआ कि 36 में से 35 चेक पास हो गया, लास्ट वाला बाउंस हो गया, भला क्यों?
क्या बात कर रहा है, एक चेक बाउंस हो गया तो इतने फटके मारते हैं? हाँ मारते हैं, लेकिन तुमको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग तो शक्ल से कितने खानदानी लगते हैं। हम लोग हमारा चेक तो क्या, हमारा कैश भी बाउंस होता है। मतलब नहीं होता नहीं होता क्योंकि होता नहीं है। यही मेरा पेन ए आ। अबे उल्टा क्यों बैठा है? अबे ये मुंबई है, यहाँ कब कौन किधर से ठोके जावे पता थोड़ी चलता है। तू आगे संभाल, मैं पीछे देखता हूँ, लेट्स गो। तो संभाल। अबे रुक 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 रुक, अपना स्टूडियो आ गया, रुक। सलाम साहब। आजा आजा आजा। देखा ये तो अपन यामा पे आए थे इसलिए गार्ड ने सलाम मारा, वरना कोई पूछता भी नहीं। बहुत बड़ा स्टूडियो है ये। मैडम आपकी कंपनी में एक भी आर्टिस्ट दिखता नहीं। देखिए बिना अपॉइंटमेंट के क्या अब्दुल भाई खाली हाथ जूस नहीं लाए? अरे आज जूस नहीं लाया, सिंगर लाया हूँ। सिंगर मेरा दोस्त गोवा से है राजू। क्या सिंगर है, मिश्रा जी है? हाँ है। तो ये सूट पकड़ो, हम लोग जरा अंदर चलते हैं। माटी मिले, 10 साल से मैं जूतियां चटका रहा हूँ, अभी तक मेरे दर्शन हुए नहीं कंपनी के ओनर से, और तुम दोनों आते ही सीधा फ्री में हाथ पांव तोड़ दिए। अबे ओए हड्डी की दुकान, ये सांस लेगा तो नाक पे अटक जाएगा तू। अरे भाई सांस मत लेना, सांस मत लेना, तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो सांस मत लेना, जाओ 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 जाओ। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों लोग अंदर गए, मैं भी जाऊंगा। नहीं जाने दूंगा, जबरदस्ती जाऊंगा। अंदर जाकर क्या करोगे? क्या करूंगा क्या करूंगा? भैया भैया मैं काहे को आया भैया? पता पूछने। बताइए ना। बार 80 नंबर की बस पकड़ लेना, लास्ट बस स्टॉप पे उतर जाना, सामने घर है। शुक्रिया भैया, 80 नंबर की बस। हाँ 80 नंबर की बस। लक्कड़ आदमी है, हर बार गाना गाने आता है और गाना भूल जाता है और अपना पता पूछकर चले जाता है 10 साल से। फैंटास्टिक। मिश्रा जी मैं बोला था ना, वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है, वो आया है, अगर आप एक मौका दे देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी सर। फैंटास्टिक। यहाँ पर जो सिंगर आता है वो यही कहता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, कोई कहता है कि मैं खराब गाता हूँ? फैंटास्टिक। नहीं अरे भाई वो सोनू निगम कब आएगा? सर आता ही होगा। फैंटास्टिक, क्या गाते हो तुम भाई, कमाल है कमाल है, बन गए तुम टॉप के सिंगर। फैंटास्टिक। सर मैं बन जाऊंगा सिंगर? बन जाऊंगा, फैंटास्टिक। अरे भैया उदित नारायण को किसने बनाया? मैंने। कुमार सानू को किसने बनाया? आपने। मैंने। मोहम्मद रफी? उनको भी? नहीं उनको नहीं, उनको नहीं, उन्होंने मुझे बनाया। अब एक काम करो, फौरन अपने गाने का एक कैसेट रिकॉर्ड करके मेरे पास ले आओ। फैंटास्टिक। लेकिन सर म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करती ना गानों को। फैंटास्टिक, मैं समझाता हूँ। भाई मैंने तो तुम्हारे गाने को सुन लिया, मगर मेरी कंपनी के मालिक महेश हीरवानी को गाना कौन सुनाएगा? तो उनको सुनाने के लिए आप लोगों का रिकॉर्डेड गाना चाहिए ना। तो साहब वो अपन रिकॉर्ड कर दे कैसेट पे, तो उसका खर्चा कितना आएगा? फैंटास्टिक। 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? 2 लाख भी आ सकता। 2 लाख? अरे भैया गले में सरस्वती है तो जेब में लक्ष्मी भी तो आएगी ना। 2 लाख रुपया इकट्ठा करना जेब टटोलने की बात नहीं है। सिर्फ 2 लाख रुपए की वजह से मेरा करियर रह जाएगा। अरे जेब में 2 लीटर पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, और जमा करने 2 लाख रुपए, बस अब मैं और धक्का नहीं मार सकता। जा अपने मामू के पास से पेट्रोल के पैसे तो लेके। हाँ जाता हूँ मामू के पास, वैसे भी वो मेरे पे तड़का होगा कि अभी तक दुकान पे क्यों नहीं पहुँचा। उसके बाद से मैं पैसे लेकर आता हूँ, अपन पेट्रोल डालते हैं। तू ये बस स्टॉप, अरे इधर बस स्टॉप था, ये दुकान कौन बना दिया? ए टोपी, ये दुकान कौन बना दिया? भाई साहब ये बस स्टॉप ही है, एक्सएम कंपनी ने पक्का बनाने को दिया है। अच्छा बस स्टॉप है? हाँ। यार कमाल बस स्टॉप है, लेकिन एकदम दुकान जैसा लगता है। बोल अबा दुकान ही। अरे बस स्टॉप है। दुकान है? अरे बस स्टॉप है। जरा गौर से देख, तेरे मामू की नई दुकान है। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा, कोई लड़की पट गई ब्याज काट के? नहीं मामू। इतना लेट क्यों आया, कुत्ता कहेगा ब्याज काट के? मामू लेट कहाँ हुआ, थोड़ी देरी हो गई। लेकिन आप ये छिलके क्यों खा रहे हो? छिलके समझाता हूँ, ये है मौसमी, इसका जो रस है वो असल है, इसका जो छिलका है वो सूद है, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं सूद नहीं छोड़ता ब्याज काट के। अरे मामू ऊपर वाले की दुआ से इतना ब्याज खाया, आप खाना तो अच्छा खाओ कम से कम प्याज काट के। ये तो ऊपर वाले मालिक की मेहरबानी है कि आज मैं मौसमी के
संतरे के चीकू का छिलके खा रहा हूँ। जब मैं पहली मरतबा मुंबई में आया था मैं गन्ने का रस बेचता था। 2 साल गन्ने के छिलके खा खा कर काटे हैं मैंने ब्याज काट के। अच्छा हुआ मामू आप नारियल नहीं बेचते। चुप। लंच के बाद आए हैं आप, आपकी आधी पगार कट ब्याज काट के। अरे मामू ऐसी खबर लाया हूँ, मेरा एक दोस्त है गोवा से आया है, अपनी दुकान बेच रहा है। बेच रहा है ना, फ्री में तो नहीं दे रहा ना ब्याज काट के। अरे मामू फ्री के भाव में ही दे रहा है। आप मेरे को बोलो बांद्रा में कांटा रोड पर 20x10 की जगह कम से कम कितने में बिकेगी? 15-20 लाख में ब्याज काट के। और ये दे रहा है 2 लाख में। 2 लाख में भांजे ये इतनी सस्ती दुकान क्यों बेच रहा है ब्याज काट के? अरे वो बेचारा गोवा का है, मुंबई के भाव का उसको क्या पता, इसलिए दे रहा है गोवा के हिसाब से ब्याज काट के। ये दुकान मैं खरीदूंगा ब्याज काट के, ये दुकान मैं खरीदूंगा ब्याज। भांजे ये तेरा दोस्त किधर है ब्याज काट के? अरे वहीं बैठा है, बुलाओ। नहीं मत बुलाना, वहीं बिठा कर रखना उसे ब्याज काट के। मैं उसके लिए जूस लेकर आता हूँ बिना पानी के ब्याज काट के। जा मेरे भांजू, ब्याज काट के भांजू। ब्याज खोर मामू तैयार हो गया, 2 का 20 देने को तैयार है। बोल मांगता है क्या? दे देता हूँ। अपने को 2 की जरूरत है, 2 ही लेंगे अपन। अच्छा बाबा मेरे नसीबों का ब्याज काट के। ये राजू ये मेरे मामू, इनकी तारीफ जितनी कम करो उतनी ज्यादा है। मेरा भांजा बैठो बैठ जूस पियो, जो सा मूड में आता वो जूस पियो। आकर तो मेरे भांजे के दोस्त हो ना ब्याज काट के, सब पी ले। मेरा भांजा बता रहा था तुम थोड़ी तकलीफ में हो, तुम्हें दुकान बेचनी है। चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खरीदूंगा ब्याज काट के। नहीं मामा जी इसकी फिक्र नहीं करना, क्योंकि आज एक आदमी आया था उसे सौदा करने की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन सौदा नहीं हुआ। बात हुई थी, सिर्फ बात सौदा नहीं हुआ। क्यों नहीं सौदा हुआ? क्योंकि वो चेक दे रहा था, हमें कैश की जरूरत है, कल जा रहे गोवा, इसलिए रोकना चाहिए इसको। अच्छा जमाना बड़ा खराब है, कैश ही लेना चाहिए ब्याज काट के। मैं देता हूँ ना कैश। हाँ। आओ मेरे साथ ब्याज काट के। आओ, ये देखो मची, यो ग्रेट। अरे इनकी जितनी कम तारीफ करो उतना ज्यादा है। ये लो 2 लाख ब्याज काट के। 2 लाख या 2 कलिंगर क्या है? जमाना बड़ा खराब है, छुपा के रखना पड़ता है फ्रूट की कमाई, फ्रूट में ब्याज काट के। इसको खोलो। टन टन। अरे वाह मामू, पहले मालूम होता तो। क्या? कल मैं दुकान खोलूंगा और पहला जूस तुमको पिलाऊंगा प्याज काट के। बन गया मामू, बन गया दुकान, बन गया मामू तेरा दुकान बन गया। ये इतना आता क्यों प्याज काट के? वो खुश हो रहा है, उसको गोवा जाना है ना तो बहुत खुश हो रहा है ना। अरे कमाल हो गया प्यारे, मिल गया माल, बनेगी कैसेट धमाल और तू हो जाएगा सुपरस्टार। अरे ओए ये क्या हो गया? अरे सपना देखना बंद कर, तू बहुत बड़ा स्टार है। वो तो ऐसे ही नाच रहा है, पब्लिक लड़कियां देख के ताली मार रही है। तू तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा मालूम है, ये 2 लाख का कैसेट है, 2 लाख का म्यूजिक कंपनी का मालिक सुनेगा ना तो खुद फंटास्टिक हो जाएगा। कम ऑन, एक बार मिश्रा जी की कृपा से तू स्टार बन जा, फिर वो मामा को तो मैं बराबर दिखा दूंगा। कैसे हो? क्यों मुंह लटका खड़े हो भाई? मिश्रा जी कहाँ हैं? ऊपर। ऊपर नया फ्लोर खोला है क्या? नहीं मेरा मतलब है उनका देहांत हो गया। नहीं मिश्रा जी, आप मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। अरे इनकी मरने की उम्र ही नहीं थी। अरे 10-15 दिन बाद मरते तो कौन फिर मौत आ जाती मिश्रा जी। मुझे ऊपर उठा ले, ऊपर वाले। आ बोल। वो देख म्यूजिक ग्रामोफोन कंपनी के मालिक महेश शेरवानी, उधर देख। अरे जाके देखो ना एम्बुलेंस आया कि नहीं, जाओ। ठीक है। मर गया और क्या हो गया? आपको मालूम है मरने से पहले मिश्रा जी की ख्वाहिश क्या थी? हाँ कि हमारे कंपनी का नाम सबसे ऊपर रहे। नहीं। कि हमारा कंपनी को हमेशा फाइनेंस मिलता रहे, यही ना? नहीं। ये भी नहीं? अरे तो फिर क्या बोला था? क्या? अरे क्या बरबरा था ये? मिश्रा जी इसको टॉप का सिंगर बनाना चाहते थे। क्या? अरे यार तुम आजकल का सगरे लोग, हटो। अरे कहाँ से घुसा है? ले जाओ उसको, ले जाओ चलो।
अंदर जा अंदर जा यार, रोने में थकान हो जाती है यार। ये लोग अपना बाइकर नंबर क्यों नोट कर रहे? लगता है नो पार्किंग में पार्क कर दी। लेकिन यार ट्रैफिक पुलिस ने सलवार कमीज कब से पहनना शुरू कर दिया? कहीं ये पुलिस के भाई लोग तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है, मेरे को तो लगता है ये वो भाई है। वो अपना पहला चेक बाउंस हो गया। जाने पट मैं निकालता हूँ कुछ बाउंसर। अब बाइक देखने से क्या फायदा? क्या मतलब? अरे इस पर बैठने वाला तो ऊपर पहुंच गया। क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या, मर गया, उसका बॉडी अंदर पड़ा है। ये अपन तो मुर्दे से भी वसूली करना जानता है क्या? चलो आओ रे। लाख लाख शुक्र। वाह, दुकान खुलते ही जूस पीने वालों की लाइन लग गई। ये होता है मेन रोड पे दुकान खोलने का फायदा ब्याज काट के। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, यूं ही लाइन लगा के रखना ब्याज काट के। ऊपर वाले मालिक और ग्राहक और ग्राहक और ग्राहक। कहाँ चलेगा सब? ओ लगता है जूस की दुकान को बस स्टॉप समझ लिया ब्याज काट के। अरे अरे लगता लगता भूचाल आ रहा ब्याज काट के। बचाओ बचाओ। सामने तो सब ठीक है, फिर मेरी दुकान में भूचाल क्यों ब्याज काट के? उसने मेरी दुकान का जूस निकाल दिया प्याज काट के। अबे किसने बोला था बस स्टॉप पे फ्रूट जूस की दुकान खोलने के लिए? आए ये बस स्टॉप है प्याज काट के? नहीं 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 नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन आई। अबे तू पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, मैं पागल। मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया प्याज काट के। मेरे फल की दुकान थी, चाय की दुकान हो गई प्याज काट के। अरे रुको इंस्पेक्टर, पकड़ो इसको। तेरे मामा और अबा पुलिस में। अबे किसने बेची? अरे बोल। अरे बाप रे, हाँ इसलिए बेची ब्याज काट के। पकड़ो इसको, इसलिए बेची ब्याज काट के। ये सारे मेरे बच्चे। ओ नाश पकड़ो इसको, छोड़ के। अरे भाई चला जाइए, ये हर आदमी में ये बोल रहा है। अरे कौन है ये? अरे आप जाइए। ये मैंने क्या कर दिया ब्याज काट के? मुझे 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 माफ कर दो, मुझे बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है यार। 2 लाख रुपए भी गए और स्टार भी ना बन पाया। ना ड्रीम पूरा हुआ, ना ड्रीम गर्ल मिली। ऊपर वाला हमें जगह जगह सिग्नल दिखाते रहता है, हम ही बेवकूफ है जो नहीं समझ पाते। अब देखना यार मिश्रा जी की डेथ, ये सिग्नल इस बात का है कि मैं रॉन्ग एंट्री में घुसाया। गुड़ीना गोवा में है, मैं उनके पास चला जाता हूँ। क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू गोवा जा रहा है मिसेस गुड़ीनो के पास? जा, अच्छा भला बुरा वक्त चल रहा था, तूने बर्बाद कर दिया। वो आ गया तेरा सिग्नल, जा गोवा। देखा बा, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझसे गलती हो गई। मैं तेरे लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब और क्या छोड़ेगा तू मेरे लिए? ये ले बाइक, बाइक की चाबी तेरी और ये कैसेट तेरे मामू के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ये बाइक की वजह से भाई लोग मारेंगे और ये कैसेट की वजह से मामा मारेंगे। हैप्पी दिवाली का लड्डू, हैप्पी दिवाली। अबे काय की दिवाली? तेरे को विश कर रहा था यार। अरे इधर दिवाला निकल गया, तू एक काम कर, तू मेरे को मार डाल, नहीं तो मैं खुद जाकर खुदकुशी कर डालता हूँ अभी। ए, मारेगा क्या?
बाबा ये देख दुल्हन है यार। दुल्हन थिएटर रेडी करो। यस सर। और डॉक्टर चंद्रन को इन्फॉर्म करो इट्स एन इमरजेंसी केस। ओके। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज साइन हियर। ओह माय गॉड, शी इज पूजा। सर आप जानते हैं इसे? ऑफ कोर्स, शी इज माय फ्रेंड्स डॉटर। कौन लाया इसे? इसका हस्बैंड। ओके, टेक हर टू द थिएटर। हरी अप। अरे एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। इसका मेंटल चेकअप करवाना है। इसने बस स्टॉप पे जूस की दुकान खोल ली। अब ये पता लगाना है कि ये वाकई पागल हो गया या पागल की एक्टिंग कर रहा है। हेलो हेलो। आप अंदर कैसे आ गए? जाइए बाहर, जाइए। अरे साहब ऑपरेशन थे। आप अंदर कैसे आ रहे हैं? इनको बाहर लेकर जाइए। नहीं 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 मैं बाहर नहीं। ये इसका हस्बैंड है। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स डॉक्टर, लेकिन तुमको बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बाहर मत भेजिए। तुम्हारे वाइफ को कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी? हाँ मेरी बीवी, देखो ना मेरी बीवी यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर पे रेडी। डॉक्टर साहब आज तक मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब उसको आज कैसे छोड़ सकता हूँ? प्लीज मुझे इसे साथ रहने दीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब मैं चुप बैठूँ, एक कोने बैठूँ? डॉक्टर साहब मैं आई प्लीज प्लीज आई भगवान क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ जी? क्या हुआ बेटे? वो भी दिवाली के मौके पर? केडी कैसी तबीयत है पूजा की? डोंट वरी भरत, शी विल बी ऑलराइट। बट हाउ डिड ऑल दिस हैपन? कैसे हुआ ये सब कुछ? चोटें कितनी आई? चोटें कुछ नहीं है डॉक्टर देसाई, विल एक्सप्लेन टू यू डिटेल। डॉक्टर देसाई प्लीज एक्सप्लेन टू देम। चोट सर पर लगी है या पीछे, जिसकी वजह से शी हैड ब्रेन हैमरेज। खून के दबाव के कारण शी इज नाउ इन कोमा। ओह माय गॉड। लेकिन ऑपरेशन से हमने इस दिमागी दबाव को कम कर दिया है। मेडिकली इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम कोमा विजिल कहते हैं। दिस मींस ये सब समझ सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। एंड शी कैन नॉट मूव। मेरी पूजा ठीक तो हो जाएगी ना? वेल होप सो, लेट्स प्रे टू गॉड। सेठ जी, पूजा की शादी आप रोमी से करवाने के लिए अगर तैयार हो जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे पूजा की शादी तो हो गई। व्हेन शी केम हियर, वो शादी के जोड़े में थी और उसके हस्बैंड ने उसको बचाया। रोमी ने? हाँ। कहाँ है वो? हियर इज रोमी, दिस इज रोमी। ये रोमी है, देखिए रोमी ने अपनी लाइफ खतरे में डालकर पूजा का लाइफ सेव किया है। तुमने तुमने ट्रेन के आगे जंप लगाकर पूजा की जान बचाई? ये तो मेरा फर्ज था। बेटे बेटे तुमने पूजा की नहीं सारे परिवार की जान बचाई है। पूजा क्या, अगर कोई और होता ना तब भी मैं यही करता। नमस्ते। बेटे मैं गलत था, तुमसे मिले बगैर हमने शादी से इनकार कर दिया। हम ये समझ रहे थे कि तुम हमारी पूजा के हमारे परिवार के लायक नहीं हो। सर आप क्या समझते थे, क्या समझ रहे हैं? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि
बेटा, हमें क्या पता था कि तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन कर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम पूजा की जिंदगी में आए। देखिए माँ जी, ना मेरा पूजा से ना मेरा आपसे कोई रिश्ता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ऐसा मत कहो बेटा। देखो मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पर था। मुझे तुमसे मिलना तो चाहिए था, तुम्हें समझना तो चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन माफ कर दो। कौन है आप लोग, कौन है आप लोग? मुझे प्लीज जाने दीजिए आप लोग, प्लीज। देखिए सेठ जी खुद माफी मांग रहे और पूजा को इस हालत में छोड़कर मत जाओ प्लीज। सर जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, मुझे गाना है। अरे मुझे जाना है। अरे यार मैं आपको कैसे समझाऊं? बॉय, ब्रिंग द सेजर, मस्ट बी हार्ट अटैक। अरे यार समझा करो यार, मेरा ओबड़ो ऐसा आपको देखना बहुत जरूरी है। होगा होगा, उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। अरे यार कमाल है यार, ये अस्पताल है कि जेल है? अरे देखो भाई मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे को जल्दी जाने दो। नाटक मत कर। अच्छा अच्छा ये ले पकड़। छी 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 छी, रिश्वत देता है, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे कमाल का चरिया यार, समझाओ इसको तुम। तुम इधर क्या करते, अपना वाइफ के पास जाओ। अरे अरे वो देखो वो देखो, साला उस दिन मिश्रा का मैयत में घुस गया, आज अस्पताल में घुस गया। ऐसा सरक शार्प स्ट्रगलर को तुम लोग जाने देता है, हमारे साथ सेठ को रोकता है क्या चरिया? वो भरत ओबेरॉय जी के दामाद हैं। अरे तो क्या? हाँ, भरत ओबेरॉय जी का दामाद और पूजा का पति। पूजा का पति भी है साला। मैं क्यों फंसता हूं? मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन क्यों? अच्छा मैं जा रहा हूं, अपने घर वालों से कह देना कि मैं रोमी नहीं हूं। और हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट होना, मेरा वहां पर होना, तुम्हें बचाना, इस बात का सिग्नल है कि अभी तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और सुनो, गाड़ी आइंदा आहिस्ता चलाना, आहिस्ता, ओके? गॉड ब्लेस यू।